दोस्तों, महाभारत में अगर द्रौपदी का नाम न लिया जाए तो उनके बिना महाभारत अधूरी है, क्योंकि अगर द्रौपदी न होती तो महाभारत की कहानी कुछ अलग ही हो जाती। उनके जीवन में घटी हर घटना पर प्रश्न उठे हैं। उनके चरित्र को लेकर भी लांछन लगाया गया। सबसे बड़ा लांछन तब लगा जब उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह किया था। वहीं लोगों के मन में सवाल भी उठते होंगे कि उन्होंने 5 पुरुषों से विवाह क्यों किया। तो बता दें, इसके पीछे भी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी है। दोस्तों, द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर थी और उस जन्म में वो महात्मा ऋषि की कन्या थी। बता दें कि पिछले जन्म के कारण इस जन्म में भी उनका विवाह नहीं हुआ था। दोस्तों, द्रौपदी महादेव की भक्त थी और एक दिन उन्होंने महादेव का घोर तप करना शुरू किया। तब महादेव द्रौपदी की तपस्या से खुश हो गए और उन्होंने वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने उस वक्त सोचा कि एक वरदान से उनकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने महादेव से घुमा फिराकर 5 वर एक वर में ही मांग लिए। द्रौपदी ने महादेव से कहा कि मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो, जो किसी विद्या में सबसे कौशल हो। इस तरह द्रौपदी ने चालाकी से 5 वरदान एक बनाकर मांगा। महादेव उनके मन की बात समझ गए और उन्हें वरदान दे दिया। दोस्तों, इसके बाद अगले जन्म में द्रौपदी महाराज पांचाल के घर अग्नि से जन्मी। फिर बड़े होने पर वह अपने विवाह का इंतजार करने लगी। उनके स्वयंवर में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए, परंतु सिर्फ अर्जुन ही मछली की आंख भेद पाए। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी। जब अर्जुन अपने 5 भाई और पत्नी के साथ कुटिया में पहुंचे, तब उनकी माँ कुंती से कहा कि देखो मैं क्या लाया हूँ। तब माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो वो आपस में ही बांट लो। माँ के इस कहे अनुसार 5 भाइयों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। इस कारण परेशान होकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से इस बात का कारण पूछा, तो उन्होंने द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म का वर याद दिलाया। महादेव के दिए गए वर के अनुसार द्रौपदी का विवाह महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हुआ। फिर उन्होंने बल भी मांगा था, इसलिए वो भीम की पत्नी बनी। उन्हें एक सुंदर पति भी चाहिए था, इसलिए उनका विवाह नकुल से हुआ। और फिर उन्हें नक्षत्र का जानकार व्यक्ति चाहिए था, इसीलिए उन्हें सहदेव से भी विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल